हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। मीडिया स्टार वर्ल्ड बीमारियों का इलाज करने और सेहत अच्छी रखने के लिए हर संडे 2 बजे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी यानी डॉक्टर BRC के साथ ख़ास एपिसोड आपके सामने पेश करता है। पिछले 2 महीने में आप सभी ने इस कोशिश को काफ़ी पसंद किया है। डॉक्टर BRC मुल्क भर में 20 हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज यानी हिम्स अस्पतालों की निगरानी करते हैं। इनमें से 2 अस्पताल हिम्स NCR मेरठ और हिम्स मुंबई ऐसे हैं जहां हर महीने अलग अलग बीमारियों के मरीजों के इलाज के लिए 3 दिन यानी 72 घंटे का रेजिडेंशियल टूर होता है, जिसके दौरान मरीज वहीं रहते हैं। इसके लिए न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों से भी मरीज ऑनलाइन रजिस्टर करके यहाँ फ़ायदा उठाने आते हैं। इन 3 दिनों में हर किस्म के मरीज, जिनमें किडनी, हार्ट, कैंसर, हाई BP, लो BP समेत बहुत सी बीमारियों वाले मरीज यहाँ आते हैं, उन्हें उनकी ज़रूरत के मुताबिक कई थेरेपीज़ के ज़रिए इलाज किया जाता है, जिनमें हॉट वाटर इमर्शन, पोस्टरल थेरेपी, पंचकर्मा और नीम करेला जैसी थेरेपीज शामिल हैं। साथ ही मरीजों के खाने पर खास ध्यान दिया जाता है। DIP डाइट, जिसमें फ्रूट सलाद और 0 ग्रेन आटा और मिलेट शामिल होते हैं, वो सबको दिया जाता है। रेजिडेंशियल टूर में एडमिशन लेने के लिए यहाँ दिए गए लिंक पर जाकर नाम रजिस्टर किया जा सकता है। आज के एपिसोड में हम डॉक्टर BRC के हिम्स मेरठ में होने वाले रेजिडेंशियल टूर के दौरान कल दिया हुआ लेक्चर आप तक पहुँचा रहे हैं। इस लेक्चर के दौरान उन्होंने मरीजों को 72 घंटे में होने वाले फ़ायदे के आंकड़े पेश किए हैं। इस दौरान वो मरीज मौजूद हैं जिन्हें मेरठ NCR हिम्स हॉस्पिटल में इतना फायदा हुआ है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। आइए देखिए डॉक्टर BRC ने अपने मरीजों को किस तेजी से फायदा पहुंचाया है और ऐसी ट्रेनिंग भी दी है जिस तौर तरीके पर चलकर मरीज पूरी तरह से अपने घर पर ही ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर BRC का जोर ये नहीं होता कि मरीज ज्यादा टाइम अस्पताल में गुजारें और ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करें, बल्कि वो कहते हैं कि इलाज करना और ठीक रहना बहुत आसान है, जो मरीज खुद घर पर रहकर हासिल कर सकते हैं। हिम्स मेरठ NCR में अगला रेजिडेंशियल टूर 19 से 21 अप्रैल को होगा, जबकि मुंबई में ये टूर 12 से 14 अप्रैल के दौरान होगा। इस एपिसोड को आखिर तक ज़रूर देखें, ऐसा करके आप अपनी और अपने चाहने वालों की सेहत का ख्याल रख सकते हैं। आइए देखते हैं डॉक्टर BRC ने तेज़ी से लोगों का इलाज किस तरह से किया है और उनके इलाज का नतीजा किस तेजी से सामने आ रहा है। इसका टॉपिक है सर्कैडियन डाइनिंग टेबल। आपका जो डाइनिंग टेबल है वही आपका हॉस्पिटल या वही आपका मेडिसिन बन सकता है। ये मॉडल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे देखिए। सुबह मैंने बोला था हाउ टू रीसेट द बॉडी क्लॉक। बॉडी क्लॉक को रीसेट कैसे करें इसके बारे में जिक्र किया था, तो वो कैसे करें का जवाब अब आ रहा है, इसे ध्यान सुनिए। हमारे बॉडी के हर ऑर्गन का एक बॉडी क्लॉक है। पहले तो किडनी की बात कर ले, किडनी का बॉडी क्लॉक ठीक से काम करता है कि नहीं। अगर आपको यूं ही देखना है तो आप 2 बोतल ले लीजिए, 2 बोतल 1 लीटर, और पूरे दिन भर में जो पेशाब आप करते हैं तो 1 बोतल में इकट्ठा करते जाइए। रात को सोने के बाद अगर आधी रात को उठ के पेशाब करते हैं तो उसको 1 और बोतल में इकट्ठा कीजिए। दिन भर के बोतल का जो पेशाब है उसकी मात्रा 3 गुना होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू जो रात को उठ के आप पेशाब करते हैं। अगर ऐसा है तो आपका जो बॉडी क्लॉक है वो ठीक है, आपका किडनी का बॉडी क्लॉक ठीक है। लेकिन कई लोगों का इसका ठीक विपरीत होता है कि रात का पेशाब वाला बोतल या तो उसके बराबर होता है या ज्यादा होने लगता है। तो ये बड़ा सिंपल टेस्ट है ये पता लगाने का आपकी किडनी की जो फंक्शनिंग है उसका जो बॉडी क्लॉक है वो ठीक है कि नहीं। बॉडी के हर ऑर्गन का एक बॉडी क्लॉक होता है। आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, सुबह 10 बजे, कल भी कर सकते हैं, अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए और रात को 10 बजे फिर ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। सुबह का ब्लड प्रेशर यहाँ पे है तो रात का ब्लड प्रेशर करीब 20 यूनिट नीचे ऑलमोस्ट होगा, 10 to 20। ये सेम नहीं रहता था ब्लड प्रेशर, राइट? सुबह 10 बजे, रात 10 बजे, राइट? तो ये है बॉडी क्लॉक ऑफ द हार्ट। कुछ लोगों का बॉडी दोनों सेम रहता है, बहुत थोड़े लोग होंगे जिनका उल्टा होगा, रात को उल्टा बढ़ जाता है। ये वो लोग हैं
जिनमें हार्ट अटैक के चांस ज्यादा होते हैं, ये वो लोग हैं। इन्हें कहते हैं नॉन डिपर काइंड ऑफ पीपल। ये डिपर काइंड, डिप हो रहा है ना ब्लड प्रेशर, रात को डिपर बोलते हैं मेडिकल भाषा में, नॉन डिपर। कई लोग बोलते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें हार्ट अटैक आ सकता है क्या भविष्य में, बड़ी आसपास थोड़े कुछ दिनों में, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि खड़े खड़े लोग अचानक मर जा रहे हैं, सब देख ही रहे हैं ना। तो ये एक सवाल दिमाग में आता है, कोई ऐसा टेस्ट, तो वो टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, वो बड़ा सिंपल टेस्ट है कि सुबह का 10 बजे का ब्लड प्रेशर, रात के 10 बजे का ब्लड प्रेशर, ये राइट। अगर ये 150/90 है तो ये 140/80, ऐसा नॉर्मली होता है। लेकिन इसका अगर उल्टा है या बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके हार्ट अटैक आने के चांसेस बाकी लोगों से थोड़ा ज्यादा की तरफ है। तो यानी कि आपके हार्ट का बॉडी क्लॉक वो बिगड़ा हुआ है। तो मैं उदाहरण दे रहा हूं कि हमारे बॉडी के अलग अलग अंग का अलग अलग बॉडी क्लॉक होता है, वो जब बिगड़ जाएगा तो बीमारी आती है। तो बिगड़ने का मतलब क्या है, कैसे पता करें और सुधारना कैसे है, ये डिस्कस कर रहे हैं। यूं मानिए कि एक ऑर्केस्ट्रा, यहाँ पे यहाँ तबले वाला भी है, यहाँ गिटार वाला भी है, यहाँ बांसुरी वाला भी है। तबले वाला बड़ा अच्छा तबला बजाता है, गिटार वाला बड़ा अच्छा गिटार बजाता है, बांसुरी वाला बड़ा अच्छा, सब एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन जब वो बजा रहे हैं, अगर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो जो आपको सुनाई देगा वो नॉइज होगा, म्यूजिक नहीं होगा, है ना। जो आपस में कोऑर्डिनेशन होना, इसे कहते हैं। कि इसी तरह हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन है, हार्ट है, किडनी है, लंग है, तो इन सबके बॉडी क्लॉक आपस में सिंक्रोनाइज होते हैं तो आपकी लाइफ म्यूजिक बन जाएगी। और सिंक्रोनाइज नहीं होंगे तो अपने आप में ऑर्गन ठीक भी होगा तो आपकी लाइफ नॉइस, बीमारी, परेशानी, दर्द, ये बन जाएगा। तो जब तक हम बॉडी क्लॉक ठीक नहीं करेंगे तब तक हमारी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, वहां दवाई या किसी और चीज का कोई रोल ही नहीं है, राइट। मान लीजिए यहाँ पे एक ऑर्केस्ट्रा है उसमें से, और सब लोग अच्छी तरह से गाना बजा रहे हैं एक दूसरे के साथ मिलजुल के कोऑर्डिनेशन में, तो वो म्यूजिक होगा। उस दौरान बीच में से आपने बांसुरी वाले को तंग कर दिया, उसको डिस्टर्ब कर दिया, एक डिस्टर्ब हो गए तो सारे डिस्टर्ब होंगे कि नहीं होंगे, सिर्फ एक एक ऑर्गन का बॉडी क्लॉक हिला तो पूरा संतुलन बिगड़ा। इसीलिए ये जो मैं आज बताने जा रहा हूं, जो हम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये किसी एक बीमारी की बात नहीं है, सारी बीमारी की बात है। मैंने आपको बताया किडनी का बॉडी क्लॉक कैसे पहचाने, हार्ट का बॉडी क्लॉक कैसे पहचाने, वैसे पेनक्रियास का भी बॉडी क्लॉक होता है, उसको पहचानना जरूरी है। पेनक्रियास का बॉडी क्लॉक क्या होता है, आप सिंपल भाषा में समझने के लिए, पेनक्रियास सुबह 8 बजे 8 बजे सो के उठता है और रात को 8 बजे दोबारा सोने चले जाता है। यही 12 घंटा है जब वो जगा रहता है, जब वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकता है या करना चाहता है। तो यह है पेनक्रियास का बॉडी क्लॉक। तो इस बॉडी क्लॉक को समझते हुए अगर आपको डिटेल में जाना है तो ये रिसर्च पेपर सामने है, लेकिन ये रिसर्च पेपर, ये वीडियो भी है, एक किताब भी मैंने लिखी है, किताब का नाम है द सर्केडियन डॉक्टर। bishroop.com/ebook में जाएंगे तो जो मैं आज बता रहा हूँ उसके और डिटेल में वो किताब में मिल जाएगा। ये किताब अभी रिसेंटली मैंने रिलीज की थी, द सर्केडियन डॉक्टर, bishroop.com/ebook में मिल जाएगा या Amazon वगैरह में दुकानों में तो मिल ही जाएगा। तो अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका पेनक्रियास 8 बजे सो के उठ रहा है और 8 बजे ही रात को सो जा रहा है। अब आप पूरे दिन भर में जो खाना खाते हैं, मान लो ब्रेकफास्ट जो करते हैं 7 बजे 8 बजे, उसको हम FO बोल देंगे, वो इधर रख दिया, कल भी मैंने बताया था। लंच इस O से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो 2 बजे मैं करता हूं, और डिनर ये D है, 10 बजे करता हूं। अब आप देखिए ये जो मेरे खाने का स्टाइल है, हमारे पेनक्रियास के बॉडी क्लॉक के बाहर आ गया है ना, यानी कि वो 8 बजे सोना था लेकिन आपने उसको जबरदस्ती 10 बजे तक जगाया। 10 बजे तो खाना खा के उठे तो पेनक्रियास को 12 बजे तक उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि इट इज लाइक कि बांसुरी वाले को आपने हिला दिया तो वो हिल गया, उसका स्लीपिंग टाइम को आपने शिफ्ट कर दिया। तो जितना आप ज्यादा शिफ्ट करेंगे उतना वो बाकियों के बॉडी क्लॉक को डिस्टर्ब कर देगा। यहां पे समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब वो उठता है पेनक्रियास तब वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। तो सबसे ज्यादा जो खाना खाना है वो सुबह वाला खाना, FO यानी कि डबल, राइट। और सबसे ज्यादा जो फूड बॉडी में एकदम डाइजेस्ट हो जाता है वो है फ्रूट्स, फल, इसीलिए फ्रूट ब्रेकफास्ट। आप गौर करेंगे, अभी भी गौर किया होगा,
फल कितना भी पेट भर के सुबह खाएंगे, आधे घंटे के अंदर भूख लग जाती है, एक घंटे के अंदर भूख लग जाती है, फिर मन करता है कि कुछ खाने का, मन कर पेट खाली है ऐसा लगता है। तो यही होना चाहिए, क्योंकि तब आपका पेनक्रियाज सबसे ज्यादा ताकतवर है वो उसके बॉडी क्लॉक के अनुसार। इसका उल्टा हम करते हैं कई बार, नाश्ता ही नहीं करते, कई बार लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, सीधे लंच करते हैं, है ना, ऐसे करते हैं ना। तो हमें पहचानना है कि पेनक्रियाज का बॉडी क्लॉक क्या है और उस नियम को नहीं तोड़ना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं फूड को जितना स्प्रेड कर दूंगा, खाने को, लंच को तो यहीं रखा है डिनर, इसको जितना मैं स्प्रेड करूंगा उतना आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा, उतना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उतना आपका बॉडी में फैट डिपॉजिट ज्यादा होगा, उतनी आपकी बॉडी के किडनी फंक्शनिंग कम होगी, ये सारे आंकड़े अपने आप जुड़ते हैं। ट्यूमरस ग्रोथ ज्यादा होगा, जो चीज बॉडी में हजम नहीं होती तो बॉडी में स्टोर होता है, जो चीज बॉडी में स्टोर होगा वो उसे सिस्ट बोलेंगे, उसे ट्यूमर बोलेंगे, उसे कैंसर बोलेंगे, यही तो है। तो उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि पेनक्रियास के बॉडी क्लॉक के बाहर आपको खाना है, खाना खाना है, इतना ही करना है। यही फूड, यही फूड यहां पे जहर का काम करेगा, यही फूड 6 बजे 7 बजे ये अमृत का काम करेगा। फूड नॉर्मल भी हो लेकिन टाइमिंग अगर ठीक हो तो वही फूड आपके लिए हेल्थ का काम करेगा, राइट। जो खाना आप खाते हैं वही खाना खाइए, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी खाते हैं, लेकिन वही रोटी सब्जी दाल चावल इधर कर लीजिए उसको, वही आपके बॉडी में बीमारी पैदा करने लगेगा, उसी को इधर टाइम पे ले 6 बजे अगर आप खा लेते हैं तो पेनक्रियास 2 घंटे 8 बजे तक अपना खाना हजम करा के फिर सोने चला जाएगा, लेकिन अगर 8 बजे ही खाएंगे तो पेनक्रियास विल स्ट्रेन लिटिल मोर। यहां पे इंपॉर्टेंट है कि मैंने अभी बताया आपको, आपका पेनक्रिया सबसे ज्यादा कब ताकतवर होता है, सुबह। द लार्जेस्ट मील इज द सुबह का, उससे थोड़ा कम दोपहर का, सबसे कम खाना रात वाला, हल्का लाइट। एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि एक दिन इसको उल्टा कर दीजिए कि सबसे ज्यादा, जैसे हम ऑलरेडी करते हैं कि डिनर सबसे पेट भर के खाते हैं और सुबह या तो खाते नहीं है, थोड़ा सा खा के जल्दी में होते हैं, यही करते ना, राइट। तो रिसर्च पेपर यही बताती है, हम भी देखते हैं पेशेंट्स में ये, कि अगर हम अपने ब्रेकफास्ट को स्किप कर दें, सिर्फ लंच और डिनर करें, तो ऐसे लोगों का ब्लड शुगर सिर्फ एक बदलाव से ही उनका ब्लड शुगर 50 बढ़ जाता है। खाना कम खा रहे हैं लेकिन ब्लड शुगर बढ़ रहा है। जब पेनक्रियास को कुछ चाहिए ताकि वो मेहनत करे, तब ने कुछ नहीं दिया उसको खाने को। कई लोग ऐसे होते हैं जो सीधा 12 बजे ही पहला खाना खाते हैं, लंच एंड ब्रेकफास्ट, ब्रंच बोल देते हैं उस चीज को, है ना। हाँ, तो ये हमें लगता है कि हम कम खाना खा रहे हैं हमारी बॉडी अच्छी रहेगी, बट ये पेनक्रियास के बॉडी क्लॉक का उल्लंघन है, इस बात को समझिए, पेनक्रियास के बॉडी क्लॉक का उल्लंघन है। तो बिगेस्ट फूड इन द मॉर्निंग एंड लाइटेस्ट फूड इन द डिनर, सबसे छोटा खाना डिनर में। इसका खाने का अदला बदली मैं कर दूं तो इसी से आपका 50 यूनिट का इधर उधर हो जाना है, जो कि हम करते हैं कि सबसे ज्यादा कब खाते हैं, नॉर्मली रात को आराम से खाते हैं, और सबसे कम कब खाते हैं, सुबह खाते हैं। तो पहली गलती यही हम कर देते हैं, राइट। तो ये मैं बता रहा हूं कि पेनक्रियास की बॉडी क्लॉक कैसे काम करती है। पेनक्रियास की बॉडी क्लॉक यही कहती है कि पहला खाना 8 बजे के आसपास और सबसे ज्यादा पेट भर के, दूसरा खाना कहीं 1-2 बजे, तीसरा 6 बजे 7 बजे खत्म कर दो, इसके बाद कुछ मत खाओ, राइट। इसका ठीक उल्टा हम कर दें कि खाना ही शुरू करते हैं रात के 8 बजे, जैसे जो लोग नाइट ड्यूटी पे होते हैं वो तो उल्टा ही करते हैं, तो फिर उनमें बीमारी आने लगती है। रमादान में उल्टा ही होता है, तो उन रमादान के 1 महीने में हमारे जो पेशेंट जो हम फॉलो करते हैं उनमें बीमारियां या ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, उनका पेन एकदम से वो वर्स होने लगता है। तो ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है, राइट, जिससे ये पता चलता है कि ये जो बॉडी क्लॉक है किस प्रकार काम कर रहा है। आप किसी भी एक बॉडी के ऑर्गन को के बॉडी क्लॉक को छेड़ देंगे तो पूरा बॉडी का सिस्टम हिल जाएगा। ऑर्केस्ट्रा में किसी भी एक म्यूजिशियन को अगर छेड़ देंगे तो पूरा म्यूजिक खराब हो जाएगा। आप डिसाइड कीजिए किसको छेड़ना है, बांसुरी वाले को छेड़ेंगे, गिटार वाले को छेड़ेंगे, तबले वाले को छेड़ेंगे। हम किसे छेड़ते हैं, अपने लाइफस्टाइल में डाइट का हमारा एक बड़ा सोसाइटी में रोल है।
राइट। तो हम डाइट को छेड़ते हैं। अक्सर आप जब शादी में किसी के जाते हैं तो खाना शुरू होता है 10 बजे के बाद ही होता है ना, 10 o'clock के बाद तो शुरू होता है खाना। जब से ये जोमेटो आया है, जब से ये नेटफ्लिक्स आया है, जब से ये वर्क फ्रॉम होम आया है, तब से आपने गौर किया होगा कि खाने की फूड हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स द नाइट, कि रात के 12 बजे भी जोमेटो से फूड आ जाएगा, राइट। तो ये जो स्विगी और ये जितने भी ऐप हैं, कभी भी आप क्लिक करके ले सकते हैं, मंगा सकते हैं। नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, लाइट आ रही है आपके दिमाग, आपके आंखों में, तो आपका ब्रेन बोल रहा है तो दिन है, राइट। तो ब्रेन इज कंफ्यूज, क्योंकि आपके ब्रेन को पता जब लाइट आएगी तो वही एक मीडियम है, आपके बाहर की दुनिया और आपके अंदर की दुनिया को कनेक्ट करता है दैट लाइट, जिससे आपका ब्रेन डिसाइड करता है कि कब कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करना है। लेकिन आपने क्या किया, रात को डिसाइड किया कि हम रात के 12 बजे नेटफ्लिक्स देखेंगे, टीवी का स्क्रीन देखेंगे, और उससे ब्रेन के सिग्नल गए तो रात नहीं दिन है ये, तो क्योंकि वो लाइट का सोर्स मिल गया, और उससे ये सारी दिक्कतें शुरू हो जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस, जो हार्मोन सुबह प्रोड्यूस होना था वो हार्मोन रात को प्रोड्यूस हो रहा है, जो हार्मोन रात को प्रोड्यूस होना था वो हार्मोन सुबह प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप अपने फूड के टाइम को सीरियसली लेके, जैसा कि हमने यहाँ पे करने की कोशिश की कि 8 AM to 6 PM के बीच में या 7 PM के बीच में करेंगे, तो इसके करते ही आपका बॉडी क्लॉक रीसेट होने लगेगा, और रीसेट हो जाएगा तो आप ठीक होने लगेंगे। तो ये सारे देखा गया है रिसर्च में, बार बार देखा गया है कि इसका कैंसर से, बाकी बीमारियों से सीधा कनेक्शन है। कैंसर को बढ़ाना है तो इसको फैला दीजिए, कैंसर बढ़ जाएगा, घटाना है तो इसको कर दीजिए, ट्यूमर का रिग्रेशन होने लगेगा। जैसे आप बोल रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे गांठ है, अंदर गांठ है, फिर बॉडी गांठ बनाने लगता है, वैसे बॉडी गांठ भी डिसॉल्व कर सकता है। आप इसको देखिए, ईटिंग विंडो करीब 10 आवर्स का करना है, और जैसे जैसे खाने की ईटिंग विंडो बढ़ाएंगे, फैलाएंगे, डिजीज अपीयर होने लगेगा, अपीयर होगा ना डिजीज, और जैसे जैसे खाने की विंडो को घटाएंगे डिजीज डिसअपीयर, गायब होगा डिजीज, राइट। तो इसको दिमाग में इसको पिक्चराइज कर लीजिए कि खाने की विंडो को आप कम रखेंगे तो ठीक है, खाने की विंडो को जितने जितना बढ़ा देंगे उतना डिजीज अपीयर होने लगेगा, खाने की विंडो को जितना घटाएंगे उतना डिजीज डिसअपीयर होने लगेगा, देयर इज नो डिजीज, राइट। तो ये एक सिंपल नियम है, हालांकि कई लोग ऐसा बोलते हैं, हम जॉब में जाते हैं, हम शाम को आते हैं, आते ही 8 बजे हैं, वो लॉजिक मैं समझता हूं, लेकिन वो लॉजिक हमारा बॉडी नहीं समझता। हमारा बॉडी तो 3 लाख साल का बना हुआ है ना पहले, उसका तो मतलब है कि सूर्यास्त हो गया तो अब शिकार वगैरह करना छोड़ो, चुपके सो जाओ गुफा के अंदर, उसका तो वो वाला हमारी बॉडी का डिजाइन है। उस बॉडी को थोड़ा ना पता कि जोमेटो भी आ जाएगा और स्विगी भी आ जाएगी, हम रात को भी खा पाएंगे, रात को भी नेटफ्लिक्स देख पाएंगे, उसको कहां पता था। तो ये जो लॉजिक है कि हम तो ऑफिस से ही 8 बजे आते हैं, ये लॉजिक मैं समझ लूंगा लेकिन मेरे समझ में फर्क नहीं पड़ेगा, बॉडी विल नॉट अंडरस्टैंड। और जो लोग तो ठीक है, हेल्दी है, वो रात को 10 बजे भी खाएं, खाते रहे, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कि हम बैठ नहीं पा रहे हैं, पैरों में सूजन आ रहा है, उनको चेंज करना जरूरी है, बिकॉज उनके लाइफ एंड डेथ का मामला हो गया ना, अब तो करना ही पड़ेगा। तो ये जितना हम बोले हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कितना इंपॉर्टेंट है इस बात को समझाने के लिए, ये सारे रिसर्च पेपर ये दर्शाते हैं कि जैसे ही आप अपने ईटिंग ब्रैकेट को छोटा कर देते हैं, आपका वेट भी स्क्वीज होने लगता है, आप स्ट्रांग होने लगते हैं, आपकी ट्यूमरस ग्रोथ बॉडी के अंदर वो धीरे धीरे कम होने लगता है, राइट। सो ये सारे ये है अलग अलग रिसर्च, ये सारी रिसर्च पेपर हमारी किताब है द सर्कैडियन डॉक्टर, वो किताब आप bishrup.com/ebook में जाके फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो ओबेसिटी है, कैंसर है, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, सारी बीमारियों का कनेक्शन है इन चीजों से। ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है 2017 का, 2017 में इसी सर्कैडियन क्लॉक पे ही नोबेल प्राइज मिला है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट साइंस है, इस बात को आपको समझना होगा। तो एग्जैक्टली क्या करना है आपको, कल मैं लिख के दूंगा आप सबके लिए, लेकिन आज मैं बता रहा हूं आपको कि पहले 15 दिन, राइट, जो लोग कैंसर के, खासतौर के कैंसर के पेशेंट, मैं उन्हीं को मानता हूं जिनका हीमोग्लोबिन ड्रॉप करता है, जिनका बड़े बॉडी में वीकनेस है या पेन है स्ट्रांग, उनको मैं मान रहा हूं, मैं उन्हीं को बोल रहा हूं, उनको नहीं मान रहा जो पेट स्कैन के आधार पर अपने आपको कैंसर पेशेंट बोलते हैं, वो नहीं। हाँ हाँ, तो फिर क्या करना है वो आप देखिए, पहले 15 दिन उन लोगों को, सबको नहीं, आप में से
हम बोलते हैं कि 8 आवर विंडो ऑफ ईटिंग। जैसे आप में से वो लोग हैं जिनका ब्लड शुगर अभी भी कंट्रोल नहीं हो रहा, उल्टा बढ़ गया, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कि पहले 15 दिन 8 घंटे के लिए खाइए, यानी कि 10 AM टू 6 PM खाना है एंड 6 PM टू नेक्स्ट डे 10 AM नहीं खाना है। राइट, कम खाने नहीं बोला यहाँ पे, यहाँ पे कम समय के विंडो में खाना है, विंडो को हमने स्मॉल कर दिया 15 दिन के लिए सिर्फ। 15 दिन के बाद एक्सपेक्टेडली थोड़ा फर्क पड़ चुका होगा, विंडो को आप 10 घंटे का कर सकते हैं जैसा यहाँ पे है। यहाँ पे 10 घंटे का विंडो है ना, 9 AM टू 7 PM। हालांकि आपने बीच में पहले नारियल पानी पी लिया, वो एक चीटिंग हो गई, लेकिन लेकिन आपको समझना है कि 8 AM टू 6 PM टाइम ब्रैकेट, सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना है। सूर्यास्त हो गया, अब कुछ नहीं खाओ, उससे पहले खा लो, एटलीस्ट जब तक हम ठीक नहीं होते तब तक तो खा ही सकते हैं। जब हम ठीक हो गए, यानी कि ब्लड शुगर नॉर्मल हो गया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, पेन चला गया, सूजन चली गई, जो जो तकलीफें थी सारी गायब हो गई, सारी दवाइयां गायब हो गई, अब जिंदगी भर के लिए 12 आवर विंडो ऑफ ईटिंग, 8 AM टू 8 PM खाना है एंड 8 PM टू 8 AM नहीं खाना है। और कभी कभी चीटिंग चल जाएगा, कभी किसी की शादी में चले गए तब चीटिंग चल जाएगा, कभी ट्रेवल कर रहे थे चल जाएगा, लेकिन जब हम घर के सेटिंग में हैं तो कोशिश करके इसको हमें फॉलो करना है 12 आवर। तो आप में से कुछ लोगों को पहले 15 दिन ये करना है, और आप में से कुछ लोगों को यहां से शुरू करेंगे तब भी चल जाएगा, और जो पूरी तरह ठीक हो ही गए वो इसको फॉलो करें तब भी चल जाएगा। वो हम आपको लिख के दे देंगे कल किसके लिए क्या करना चाहिए। इस बात के सीरियसनेस को समझाने के लिए एक आखिरी उदाहरण मैं देना चाहता हूं, वो उदाहरण है श्रीलंका का। श्रीलंका में 15,000 किसानों ने आत्महत्या करने की कोशिश की, 15,000। और किसानों के बीच में एक ही तरह का पेस्टिसाइड है, उनको पता है कि इतनी मात्रा में खाने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ये देखा गया कि जो किसानों ने शाम को आत्महत्या करने के लिए पेस्टिसाइड खाया था वो सारे बच गए, सुबह आत्महत्या करने के लिए पेस्टिसाइड खाया था वो सारे मर गए। इस बात को समझिए जो यहाँ पे रिसर्च दिया है कि सूर्यास्त के बाद जो भी चीज खाते हैं वो बॉडी में फैलती नहीं है, कहीं अटक के रह जाती है, वो बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाता है। तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो शाम को खाया, वो यूटिलाइज नहीं हुआ। लेकिन ये इस तरह से लीजिए, हम जो फूड खा रहे हैं वो भी शाम के बाद, वो भी बॉडी ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रही, इस बात से लीजिए इसको। तो उनके केस में वो लकी रहे कि वो शाम को दे अटेम्प्टेड फॉर सुसाइड। तो इस एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से भी ये देखा पता चला कि एक ही तरह का भोजन सिर्फ समय चेंज करने से उसका इफेक्ट बॉडी में चेंज हो जाता है, बल्कि ऑपोजिट हो जाता है कई बार। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्या खा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कब खा रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, इसका मतलब ये है कि कभी अगर उल्टा सीधा कुछ खाने का मन है और खाना ही है तो बेस्ट टाइम इज द मॉर्निंग टाइम, क्योंकि तब आपका पैंक्रियास सबसे ज्यादा ताकतवर है। राइट, अगर खाना ही है तो ये सब चीजें हमने कल बता दिया है। एक चीज और जो आपके बॉडी क्लॉक को रीसेट करता है वो है अर्थिंग, ग्राउंडिंग। जब आप ग्राउंड के कनेक्शन में आ जाते हैं तो बॉडी के जो इंफ्लेमेटरी मार्कर है, इंफ्लेमेशन, जितनी सारी बीमारियां आप जानते हैं हर बीमारी का जो बेस है वो इंफ्लेमेशन ही है, वो इंफ्लेमेटरी मार्कर कम होने लगता है। क्यों कम होता है? क्योंकि बॉडी में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है जिससे इंफ्लेमेशन बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला पूरे दुनिया में सिर्फ अर्थ है, कोई फल नहीं, कोई सब्जी नहीं, वो अर्थ से आता है। तो वो तभी आ सकता है जब आप अर्थ के कांटेक्ट में रहेंगे। तो हमने ये कोलेट किया है, जैसे ही आप अर्थ के कांटेक्ट में रहते हैं, जैसे अभी भी है, पहले 10 सेकंड के अंदर आपका वोल्टेज बॉडी का 0 हो जाता है, 20 मिनट के अंदर आपका मूड एंड स्ट्रेस इंप्रूव होने लगता है। अभी आप पूछ रहे थे कि भाई क्या करें कि जो सिजोफेनिक पेशेंट्स हैं, तो अगर ऐसे पेशेंट को मोटिवेट कर पाए कि वो ज्यादा से ज्यादा अर्थ के कांटेक्ट में रहें तो उनका मूड थोड़ा ठीक होता रहेगा। मैंने कल भी आपको बताया था कि जब भी आपको गुस्सा आए, जब भी आपको डर लगे, जब भी आपको पेल्पिटेशन हो, तब आप नंगे पैर मिट्टी में बैठ के देखिए, घास में पैर लगा के देखिए, हाथ पेड़ में लगा के देखिए। पेड़ वो जो जमीन से जुड़ा हुआ है, वो प्लांट नहीं जो पॉट में, फ्लावर पॉट में, वो ये प्लांट नहीं जो जमीन से लगा हुआ है। राइट, क्योंकि ये जो प्लांट है ये भी हमारी तरह अर्थ से कनेक्टेड नहीं है इस वक्त। राइट, तो आपको अपने मूड में इंप्रूवमेंट
महसूस होगा। ये तो करना आसान है, मूड तो खराब होता ही रहता है, तो अगली बार जब खराब होगा एक बार टेस्ट करके देख लीजिए। करीब 45 मिनट्स के अंदर हार्ट पेल्पुलेशन, इरेगुलर बीट्स उसमें आराम मिलने लगता है, 1 घंटे में पेन में आराम मिलने लगता है। आप में से काफी लोगों को अलग अलग तरह के पेन में फायदा मिला, आपने खुद ही बताया, उसमें अर्थिंग का भी थोड़ा बहुत रोल तो है ही। नींद अच्छी होने लगती है, पहले 1-2 घंटे में ही नींद आने लगती है, ज्यादातर लोगों को नींद में फायदा मिलता है। यहां भी आपने कुछ लोगों को देखा जिन्होंने बोला कि हमारी नींद अच्छी हो गई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ओवरनाइट कि आपकी हीलिंग पावर, मैंने पहले भी बताया और बताता रहता हूं अक्सर कि जो ओलंपिक की तरह होता है साइकिलिंग चैंपियनशिप, उसमें टूर द फ्रांस कहते हैं उसको, जिसमें साइकिलिस्ट को रात दिन साइकिल चलाना पड़ता है, रात को थोड़ी देर के लिए सोते हैं कुछ घंटों के लिए, फिर पूरा दिन साइकिल चलाना पड़ता है, और साइकिल चला के जहां पहुंचते हैं वहीं पे उनका होटल होता है, सोने का इंतजाम होता है, फिर आगे चलते हैं। तो ऐसे में जो साइकिल चला के वियर एंड टियर हो गया, जख्म हो गया और कुछ और उनको इंजरी हो गई, रात को जब सो रहे हैं उतने टाइम में उनको ठीक होना है, तो उनके होटल में 0 वोल्ट बेडशीट वाला उस तरह का जुगाड़ किया जाता है, क्योंकि उनके पास हीलिंग के लिए समय नहीं है उतना ही समय जितना समय रात को सोने का है। तो सुपर फास्ट हीलिंग के लिए ऐसा जो बड़े से बड़े चैंपियनशिप होता है उसमें करते हैं। तो हमने देखा है कि इससे पार्किंसन में भी बड़ा फर्क पड़ता है। पार्किंसन क्या होता है, जिस तरह से लूज कनेक्शन हो गया अगर तार का तो बल्ब फ्लिकर करने लगती है, ठीक उसी तरह से पार्किंसन में भी हाथ पैर ट्रमर करते हैं, सिग्नल पूरा नहीं पहुंच रहा है। लेकिन जब वो 0 वोल्ट बेडशीट में सोएंगे, या 0 वोल्ट बेडशीट में सोने का सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं कि आपको ये करना है कि धरती के टच में रहना है किसी भी तरीके से। जैसे आप मेरे ऑफिस में कभी आएंगे तो वहां पे हम सबके, मेरे भी टेबल के नीचे हमने इतना मोटा कॉपर का तार, एक प्लेट बिछाया हुआ है, उस प्लेट के तार के एक छोर को जमीन में गाड़ा हुआ है। तो मैं 8 घंटे ऑफिस में रोज बैठता हूं, तो मैं 8 घंटे धरती से जुड़ा हुआ हूं, जैसे आप अभी जुड़े हुए हैं। इस तरह से एक बार जुगाड़ बना दिया, हमेशा के लिए काम कर रहा है, राइट। तो आपको ये देखना है कि एक दिन में 8 से 10 घंटे एटलीस्ट धरती के कॉन्टेक्ट में रहना है। 7 दिन में हमने देखा कि बीपी में फर्क पड़ता है, हमने भी देखा, ये दुनिया में अलग अलग जगह पे ट्रायल्स भी हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ब्लड डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं, थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, मैंने कल भी बताया था, उनमें हीमोग्लोबिन लेवल स्टेबल होने लगता है, इंप्रूव होने लगता है, गिरता नहीं है। तो जो आप में से कुछ लोग बोल भी रहे हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन गिर रहा है, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी आप अर्थ के कॉन्टेक्ट में इनडायरेक्टली हैं तार के माध्यम से, लेकिन रोज 20-25 मिनट निकाल के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कीजिए। डायरेक्ट कांटेक्ट करने का तरीका क्या है कि आप अपना चेयर बाहर लगा दिया, जो लोग ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, और नंगे पैर, पैर जमीन पे, और खाना खा लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, उतने में ही हो गया, राइट। तो कई लोग बोलते हैं कि हम तो 10th फ्लोर में रहते हैं, 4th फ्लोर में रहते हैं, हम क्या करें। मैं 7th फ्लोर में रहता हूँ, तो मैंने अपने घर से एक तार फेंका और वो 7th फ्लोर नीचे गया और वहां गाड़ दिया। इसको हो भी गए 2 साल, अभी तक तो किसी पड़ोसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, तो मतलब ठीक ही चल रहा है, ध्यान नहीं दिया किसी ने। तो अगर आप चाहें तो कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेंगे, है ना, नहीं तो लोग बहाने मारते हैं कैसे होगा, लेकिन चाहना इंपॉर्टेंट, चाहे तो मिल ही जाएगा, है कि नहीं। शराबी कहीं भी जाता है शराब उसको मिल ही जाता है, शराब पीने वाला भी मिल जाता है ना, चाहत होनी चाहिए ना अंदर से, हाँ, तो तरीके निकल ही आएंगे, नहीं तो बहाने ही आएंगे। जो पेड़ है, अगर पेड़ में आपने लगा दिया तार तो भी अर्थिंग हो जाएगा, आपको 0 वोल्ट आएगा। 0 वोल्टेज का आपने कल देखा होगा सुबह ना, आप वही वोल्ट मीटर ले जाइए, किसी पेड़ को टच कीजिए, आपका वोल्टेज 0 हो जाएगा। तो पेड़ भी 0 वोल्टेज पे ही होता है, क्योंकि पेड़ तो जमीन से जुड़ा है ना, उसकी शाखाएं गई ना। तो ये सारे बेनिफिट हैं। तो देखिए, कुछ ऐसी इनविजिबल चीजें हैं जो बॉडी को इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन क्योंकि हमारा ध्यान उस पर नहीं गया, तो उसके बिना हम सोचते हम ठीक कैसे होंगे। ठीक होने के लिए ना केवल सारे इंस्ट्रूमेंट म्यूजिशियन को अपने आप में स्किलफुल होना पड़ेगा, बल्कि ठीक होने के लिए, अच्छे गाने के लिए, उनका आपस का कोऑर्डिनेशन भी ठीक होना पड़ेगा। उसी को कहते हैं बॉडी क्लॉक। आप लोग आए आए हैं और 72 आवर्स में से कल इस वक्त तक बहुत सारे आप में से घर पे ही होंगे, तो इन 2 दिनों में क्या क्या हुआ है वो थोड़ा सा आज चर्चा कर लेते हैं। सचिन जब यहाँ पे आए थे तो इनको ये
टोटल 10 यूनिट इंसुलिन लेते थे उस वक्त, 10 यूनिट्स 2 दिन पहले तक, लेकिन अब इनकी इंसुलिन शून्य हो गया, एक भी यूनिट नहीं लेते। ब्लड शुगर बिना इंसुलिन के इनके 160 है, जो कि सही है। स्लीप भी इम्प्रूव हुई है, रिलीफ इन लेग पेन, बाउल इज क्लियर, ये भी फायदा हो गया। विश्वनाथ जायसवाल यहाँ बैठे ना, आने से पहले आप 66 यूनिट इंसुलिन पे थे और अब इनका इंसुलिन 0 हो गया है, नो इंसुलिन। बिना इंसुलिन के आपका ब्लड शुगर आज का 120 बिना इंसुलिन के, तो ठीक है ये भी। और नींद भी इनकी अच्छी हो गई जैसे आप बता रहे हैं, बिना आज जैसे आपने आज फीडबैक दिया। मुमताज मुराद, सारी दवाइयां आपकी बंद हो गई हैं और बिना दवाई के आपका ब्लड शुगर, आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। ब्लड शुगर 162 है आज का, ब्लड प्रेशर 135 82 है, एंड ब्लोटिंग में भी रिलीफ है, नेक पेन में भी रिलीफ है, और दवाइयां भी बंद हो गई हैं, तो काफी सारा अच्छा हो गया। विद्यावती जो कि इंसुलिन पे थी 38 यूनिट से लेके आपका 0 शून्य यूनिट पे आ गया, मतलब कोई इंसुलिन नहीं है अब, और मेडिसिन भी बंद हो गया है, और इसके अलावा इम्प्रूवमेंट इन पेन एंड कॉन्स्टिपेशन, स्वेलिंग भी इम्प्रूव हो गई है, वेट 2 के जो घट गया है, स्लीप भी इम्प्रूव हो गई है, ठीक है। और आगे चलते हैं, ये देव, छोटा बच्चा देव, ये आगे बैठे हैं। छोटे बच्चे को जब डायबिटीज होती है उसे डायबिटीज टाइप 1 बोलते हैं, और साथ में ये बोल देते हैं कि इनकी इंसुलिन जिंदगी भर चलेगी, जब तक बच्चा जिंदा रहेगा तब तक इंसुलिन चलाना पड़ेगा, यही बोलते हैं, आप कहीं भी जाएंगे इसके अलावा कुछ सुनते नहीं है। जबकि देव का जो इंसुलिन है पूरी तरह से शून्य हो गया, 0 है ना, कंट्रोल में आ गया। लेकिन छोटे बच्चों के केस में कम से कम अगले 4-5 महीने तक स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली आपको डाइट वगैरह फॉलो करना पड़ेगा, जो जो हम बताएंगे कल, जो आप यहाँ पे कर रहे हैं। और हर 4 महीने में हमारा सारा खून नया हो जाता है, अभी जो खून हमारे बॉडी में दौड़ रहा है 4 महीने बाद वो खून नहीं बचेगा, वो सारा का सारा नया लौट आ जाएगा। तो 4 महीने पूरी तरह से करने के बाद अगर तब तक भी सब कुछ ठीक रहता है, तब छोटा बच्चा जो है कभी कभी चीटिंग कर सकता है। चीटिंग मतलब कभी बर्थडे पार्टी में चले गए, कहीं कहीं चले गए, थोड़ा बहुत कुछ खा भी लिया, इस तरह से धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट तब कर सकते हैं, ताकि एक बैलेंस बना रहे बिटवीन हेल्थ एंड जो सोसाइटी सोशल सेटिंग में जिस तरह का है उसमें एक बैलेंस बना रहा है। लेकिन पहले तो सबसे पहले तो हेल्थ ही है, तो सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ है, तो पहला इम्पोर्टेंट हमारा कर्तव्य है कि किसी भी तरह से इंसुलिन नहीं लगना चाहिए, इंसुलिन डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, उससे आज़ादी मिलनी चाहिए, जो कि मिल गई है, राइट। और वो फिर मेंटेन भी करना है 4 महीने तक, क्योंकि ये जो खून दौड़ रहा है, ये खून इसमें ऑलरेडी शुगर बाइंडेड है, नया लॉट जो खून आएगा तब बच्चा और स्ट्रांग हो जाएगा। HbA1c, इसीलिए HbA1c टेस्ट होता है ना, हर 3 महीने में कराने के लिए बोलते हैं, क्योंकि 3 महीने के बीच में कराएंगे तो रिजल्ट में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो सेम लॉट का खून है, वही वाला खून। तो जो आप यहाँ कर रहे हैं वो 2 दिन करने से अगर इतना रिलीफ मिल रहा है, उसको अगर 4 दिन करेंगे तो रिलीफ और बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। किसी किसी पेशेंट में कोई कोई सिम्टम बड़ी तेजी से रिलीफ दिखता है, किसी किसी में थोड़ा धीरे दिखता है, दिखता जरूर है। ब्रिज बिहारी इधर बैठे ना, कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ है, जब आए थे आप दवाई लेते थे ब्लड प्रेशर का, उसके बावजूद भी ब्लड प्रेशर 150/100, अब दवाई छोड़ने के बाद ब्लड प्रेशर 110/80, दवाई भी छूट गई, ब्लड प्रेशर उसके बावजूद भी नीचे आ गया, और नीचे आ गया, कॉन्स्टिपेशन मिली तो मिली गया। और 3 दवाई लेते थे, अब 0 दवाई, किसी भी तरह का कोई दवाई अब नहीं है, यू आर ए मेडिसिन फ्री पर्सन नाउ। संतोष कुमार चौबे, आपका जो ब्लड शुगर 254 था अब 201 आ गया है, मेडिसिन स्टॉप, 4 मेडिसिन लेते थे उसमें 2 2 खत्म हो गई है ना, 2 मेडिसिन खत्म हो गई, ब्लड शुगर भी पहले से बेटर आ गया, और लेकिन डिस्कम्फर्ट्स हैं अभी आपके, जैसे नींद ना आना और बाकी और प्रॉब्लम्स हैं, वो भी ठीक हो जाएगा। ममता, कॉन्स्टिपेशन में क्लियर हो गया, नींद में आपको इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन दवाइयाँ अभी चल रही हैं आपकी, उल्टा ये वाला आपका जो है ब्लड शुगर तो ज़्यादा हो गया 225 है ना, ऐसे ना बैठिए, ऐसे कभी कभी कुछ चीज़ें शॉकिंग हो जाती हैं,
हमारा जो ब्लड शुगर है, यहाँ पे एक केस थोड़ा डिस्कस करते हैं। हमारे ब्लड शुगर कई सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, कई सारे फैक्टर से। सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट से, जिसको हम कंट्रोल पूरी तरह से कर रहे हैं। यहाँ पे इन 2 दिन में आपने वही खाया जो यहाँ मिला, तो डाइट को तो बदल दिया हमने, लेकिन हमारा ब्लड शुगर कई और चीजों से भी कंट्रोल होता है। कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है या आपके कंट्रोल में नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा आप अपना ब्लड शुगर चेक कीजिए कभी, और उसके बाद एक डरावनी मूवी देखिए, डरावनी फिल्म जिसमें आपको डर लगे, और फिल्म देखने के तुरंत बाद दोबारा ब्लड शुगर चेक करेंगे तो आप पाएंगे ब्लड शुगर आपका बढ़ गया। तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है दिमाग का, कई बार वो इन्फ्लुएंस करता है, राइट। जब किसी को फीवर होता है, जब किसी को इन्फेक्शन होता है, उस वक्त 20% ब्लड शुगर हमारा बढ़ जाता है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं ब्लड शुगर के उतार चढ़ाव का। ब्लड शुगर को भी अभी इंसान ने पूरी तरह समझा नहीं है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। जब इतने लोगों का ब्लड शुगर इंसुलिन ही छूट रहा है तो आपका भी हो जाएगा। हमारा जो अप्रोच है कि मेडिसिन का उपयोग कम से कम किया जाए। अगर बिना मेडिसिन के फूड एज मेडिसिन से ठीक हो जाए तो वो बेस्ट है ना। चाहे वो आयुर्वेदिक क्यों ना हो, चाहे वो होम्योपैथिक क्यों ना हो, मजबूरी में थोड़ा बहुत दे देते हैं कुछ लोगों को, तो जिनको जो जो देना है कुछ लोगों को देंगे भी, कुछ लोगों को कोई काढ़ा है, कुछ लोगों को पंचकर्मा किट है वो बना के देंगे, जिनको बहुत ज्यादा हमें लगता है कि जरूरत है उन्हीं को देंगे। ब्लड विजन ठीक होने में लगता है 1 महीने से 3 महीना। वो ऐसे कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, डायबिटीज के लिए आते हैं या किसी भी और बीमारी के लिए जैसे आप आए हैं, और 2-3 महीने बाद वो बोलते हैं कि हमें धुंधला दिखाई देना शुरू हो गया, जब हम चश्मा उतारते हैं तभी हमें ठीक दिखाई देता है। समझ रहे हैं आप? यानी कि यही चीज करने से आंखें भी अपने आप ही ठीक होंगी, बट आंखों के जो रिस्पॉन्स को देखने के लिए 1 महीने से 3 महीना वेट करना पड़ता है। ब्लड विजन हो, ग्लूकोमा हो, कैटरैक्ट हो, जो लोग चश्मे आप में से कुछ लोगों ने पहना भी हुआ है, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको अपने चश्मे का पावर को चेंज करके कम करके या तो खत्म करना पड़ेगा या काफी कम हो जाएगा। तो उसके लिए अलग से कुछ करने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद इन 3 मंथ्स आपकी आंखें, खासतौर में इसलिए बोल रहा हूँ, कोई ग्लूकोमा का पेशेंट है, कैटरेक्ट का पेशेंट है, तो अभी होल्ड करें, कोई सर्जरी वगैरह कुछ ना कराएं, 3 महीने का टाइम और दे दें, और जो हम कल लिख के देंगे, जो डाइट अभी आप ले रहे हैं वो डाइट ही आप लेते रहेंगे उसी तरह का, तो आप देखेंगे कि ब्लड विजन धीरे धीरे जाएगा। 2-3 दिन में नहीं जाएगा, 2-3 महीने में जाएगा। अजय लक्ष्मी, आपका दवाई तो होल्ड पे रख दिया, बंद कर दिया है, और ब्लड शुगर भी आपका 151 नॉर्मल है, ठीक है, बिल्कुल ही नॉर्मल है। नेक पेन, वो आराम है उसमें, है ना, तो नेक पेन में आ रहा हूँ कि दवाई बंद हो गई, ब्लड शुगर भी फिर भी नॉर्मल है, तो ठीक है, सही है बिल्कुल। पुष्पलता, आपका भी नेक पेन वो बेटर हो गया, गैस्ट्रिक इशू था वो बेटर हो गया, दवाई छूट गई आपकी, दवाई छूट गई, और आपका ब्लड शुगर 145 मॉर्निंग वाला आया था तो भी ठीक है, तो दवाई छूट गई, ब्लड शुगर नॉर्मल है और सिम्टोमेटिक भी इम्प्रूवमेंट है, ब्लड शुगर की दवाई छूटी है ना। हार्ट की दवाई भी छोड़ देंगे हम, दवाई छोड़ने की एक स्पीड होती है, झटके से नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपका बॉडी उस पर निर्भर हो गया है, डिपेंडेंट हो गया, तो धीरे धीरे टेपर करेंगे। कुछ दवाई एकदम से टेपर कर सकते हैं, ब्लड शुगर की दवाई एकदम से, ब्लड प्रेशर, क्योंकि वो हम नाप रहे हैं, कुछ दवाई धीरे धीरे और छोड़ देंगे। वीरेंद्र राय, सारी दवाइयां आपकी बंद हो गई, उसके बाद भी ब्लड शुगर 120 है, पहले 123 था, लगभग सेम ही था, अब 120 है, ब्लड प्रेशर 130/70 है, दवाइयां बंद हैं, स्लीप इंप्रूव हो गई है, एनर्जी बेटर हो गया, तो आप देख रहे हैं कि सारी चीज, दवाई भी फ्री हो गई और सिम्टोम भी ठीक हो गया। दीपा अरोड़ा, आपने सवाल पूछा अल्सरेटिव कोलाइटिस में बीटरूट जूस एंड पालक जूस लेना चाहिए, हाँ लेना चाहिए, इसको जरा समझिए जरा क्यों लेना चाहिए। जब भी आइटिस आएगा ना, अल्सरेटिव कोलाइटिस, आर्थराइटिस, ओटाइटिस, गैस्ट्राइटिस, आइटिस आ गया ना, मतलब दैट इज इन्फ्लेमेशन, एक घाव है, जिसको हिंदी में घाव बोलेंगे, माइक्रो घाव बोलेंगे। आप एक्सपेरिमेंट करके यहां से कुछ, मतलब ब्लेड से काटा मान लो आपने जानबूझ के, ब्लीडिंग निकलेगी, उसमें अगर आप डिटॉल डालेंगे तो क्या होगा, जलेगा, लगेगा कि हम ठीक हो रहे इसलिए जल रहा है, जबकि डिटॉल से ठीक होने की प्रोसेस धीरे हो जाती है, डिलेड हो जाती है। एक्सपेरिमेंटली दोनों जगह काटिए, एक जगह डिटॉल लगाइए, एक जगह बीटरूट का जूस या पालक का जूस आप लगा दीजिए ड्रॉप बाय ड्रॉप,
आप देखेंगे हैरान होंगे कि जहां जूस लगाया था वो बड़ी तेजी से ठीक हो रहा है। तो एक्सटर्नल इंजरी हो या इंटरनल अल्सरेटिव कोलाइटिस, अंदर कोलोन में इंजरी हो या आपके इंटेस्टाइन में हो, कोई भी इंफ्लेमेशन हो, कई आप में से क्वेश्चन है मुंह से ब्लीडिंग आती है, उनको हम बोलते हैं कि आप एक हफ्ते के लिए कुक्ड फूड छोड़ दीजिए। मान लीजिए यहां पे कट गया है और मैं आप यहां पे नमक मिर्च डाल दूं तो क्या होगा? और ज्यादा जलेगा ना, ठीक नहीं होगा ना। तो जो अंदर कट गया है, अंदर छिला हुआ है, तब अगर आप वो वाला कुक्ड फूड खा रहे हैं जिसमें नमक मिर्च तेल वगैरह होता है, तो क्या कभी वो ठीक हो सकता है? कभी ठीक नहीं होगा। तो अगर से लेके कोलोन तक अगर आपके कहीं पे इंफ्लेमेशन है, कहीं पे कोई घाव है, कहीं पे कोई दर्द है, उसका एक इंपॉर्टेंट रूल है कि एक हफ्ते के लिए लीव ऑल द कुक्ड फूड, सिर्फ कच्चा ही खाइए या उसका जूस बना के पीजिए, खाना नहीं है तो इससे हीलिंग बड़ी फास्ट हो जाएगी। तो क्या हम बीट रूट जूस या पालक जूस ले सकते हैं? जबकि आंसर ये होना चाहिए कि यही सबसे तेजी से काम करेगी। नहीं तो हर दिन बॉडी हर रात आपके कोलाइटिस को ठीक कर रही होगी और सुबह दोबारा से कुक्ड फूड खा के आप उसको उतना ही छील रहे होंगे, बंदर की तरह। बंदर होता है ना, कितना घाव ठीक हो गया देखने के लिए खरोचता है और वो घाव कभी ठीक ही नहीं होता। तो वही वाली बात है, कुक्ड फूड जितनी बार आप लेते रहेंगे वो ऐसा लगेगा ये एक ऐसी बीमारी है जो कभी नहीं ठीक हो सकती। एक हफ्ते के लिए आपको ब्रेक देना पड़ेगा, एक हफ्ते के लिए, कि प्लेट 2 DIP डाइट का छोड़ना पड़ेगा। 1 वीक ध्यान से समझिए, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, जेड तक चले जाइए। हेपेटाइटिस यानी कि एक काइंड ऑफ वायरस, वो हमारे बॉडी में होता ही है, सभी के बॉडी में होता है, ऐसा कोई नहीं जिनके बॉडी में ये वायरस नहीं होगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करते, ये एक ही चीज कर सकते हैं, आपकी डायग्नोस मत कराइए, डोंट गो फॉर दिस टेस्ट, ये टेस्ट के उलझन में पड़िए मत। सिर्फ सिम्टम अगर कुछ है तो सिम्टम को ठीक कीजिए। ये टेस्ट मिसलीडिंग है, वायरस के नाम पे जितने भी टेस्ट बने हैं वो मिसलीडिंग है। इसका उदाहरण मैंने सुबह दिया था, सुबह मैंने कोरोना का टेस्ट का एग्जाम्पल दिया था आपको, है ना? तो कोरोना भी तो एक वायरस बोला जाता है, लेकिन वो टेस्ट का आधार कितना निराधार है ये मैंने सुबह बता दिया था। जिस तरह से कोरोना का टेस्ट है, ठीक इसी तरह से बाकी जितने वायरल टेस्ट होते हैं, वो उसका कोई आधार नहीं है, बस बना दिया गया है। इसीलिए इन टेस्ट को बेसिस मान के अपना इलाज मत कराइए और ये टेस्ट ही मत कराइए। अगर कोई समस्या है, कोई सिम्टम है, तो उसका इलाज हो सकता है। इलाज बड़ा सिंपल है, वही 3 मेडिसिन कल से मैं बोल रहा हूँ, उन 3 को जब अपने लाइफस्टाइल में ले आएंगे तो अपने आप ही चीजें ठीक होने लगती हैं। और आज दूसरे दिन तक आपने उसका थोड़े से सैंपल देख भी लिए। अच्छा मुरारी सिंह, व्हाट इज द रेमेडी फॉर माइग्रेन? देखिए जो यहां पे किया है ऐसा अगर 3 से 4 महीने करेंगे तो उसके बाद धीरे धीरे माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी एंड माइग्रेन की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। 6 महीने 7 महीने लग सकते हैं पूरी तरह से। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी को माइग्रेन ठीक होता हो, लेकिन हमने देखा है ठीक होते हुए, इसी चीज से ठीक होते हुए देखा है। अलग से कुछ नहीं करना है इसमें, अलग से सिर्फ इतना कर सकते हैं। आपको 2 सेकेंड ऑयल दिया है, मिला है 2 सेकेंड ऑयल मिला आप लोगों, वो रखिए जेब में, जब भी माइग्रेन का अटैक शुरू हो तभी उसको सूंघ लीजिए, ताकि वहां, लेकिन वो टेम्पररी है, असली में ठीक होने के लिए तो यही जो मैंने बताया उसी से ठीक होंगे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एल्कोहल? इज देयर एनी एक्सेप्शन लाइक वाइन बियर? वाइन हो, बियर हो, कोई भी एल्कोहल हो, एल्कोहल इज एल्कोहल, कोई एक्सेप्शन नहीं है उसमें। और उसका इफेक्ट ये रहता है कि वो आपके हार्मोनल टाइमिंग को बिगाड़ देता है। आपके बॉडी को पता है कि किस वक्त पे कौन सा हार्मोन रिलीज करना है। नींद के टाइम पे एक अलग हार्मोन रिलीज होगा, सुबह एक अलग हार्मोन रिलीज होगा। बॉडी की एक प्लानिंग है, बॉडी का एक टाइम टेबल है। अच्छा मुरारी सिंह, व्हाट इज द रेमेडी फॉर माइग्रेन? देखिए जो यहां पे किया है ऐसा अगर 3 से 4 महीने करेंगे तो उसके बाद धीरे धीरे माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी एंड माइग्रेन की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। 6 महीने 7 महीने लग सकते हैं पूरी तरह से। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी को माइग्रेन ठीक होता हो, लेकिन हमने देखा है ठीक होते हुए, इसी चीज से ठीक होते हुए देखा है। अलग से कुछ नहीं करना है इसमें, अलग से सिर्फ इतना कर सकते हैं। आपको 2 सेकेंड ऑयल दिया है, मिला है 2 सेकेंड ऑयल मिला आप लोगों, वो रखिए जेब में, जब भी माइग्रेन का अटैक शुरू हो तभी उसको सूंघ लीजिए, ताकि वहां, लेकिन वो टेम्पररी है, असली में ठीक होने के लिए तो यही जो मैंने बताया उसी से ठीक होंगे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एल्कोहल? इज देयर एनी एक्सेप्शन लाइक वाइन बियर? वाइन हो, बियर हो, कोई भी एल्कोहल हो, एल्कोहल इज एल्कोहल, कोई एक्सेप्शन नहीं है उसमें। और उसका इफेक्ट ये रहता है कि वो आपके हार्मोनल टाइमिंग को बिगाड़ देता है।
आपके बॉडी को पता है कि किस वक्त पे कौन सा हार्मोन रिलीज करना है। नींद के टाइम पे एक अलग हार्मोन रिलीज होगा, सुबह एक अलग हार्मोन रिलीज होगा। बॉडी की एक प्लानिंग है, बॉडी का एक टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल को बिगाड़ने का काम करता है अल्कोहल। डिटेल में बात कर सकते हैं लेकिन अभी सवाल बहुत ज्यादा है। हाउ टू ट्रीट एंड मैनेज द मेंटल पेशेंट लाइक सिजोफ्रेनिया हुज परसेप्शन आर रियलिस्टिक, थोड़ा मुश्किल होता है इनको। हम तो शुरू करते हैं जीरो वोल्ट बेडशीट से, पहला। दूसरा जो आज हम अभी करेंगे, आज इस पे हम बात करेंगे लेकिन थोड़ा ब्रीफली बता देता हूं। डिप्रेशन अगर हमें करना हो एक्सपेरिमेंट, कि मान लो मैं या मान लो आप डिप्रेशन पेशेंट बनना चाहते हैं वॉलंटरली, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, पूरे दिन आप डार्कनेस में रहिए, कम उजाले में, और जैसे सूरज ढल जाए बिल्कुल ब्राइटनेस में रहिए, बहुत सारे लाइटों के बीच में रहिए। जब ये करने लगेंगे एक या दो या तीन दिन में आपके अंदर डिप्रेशन छाने लगेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिन में डार्कनेस में रहना, इस तरह की लाइटों में रहना, सूरज से दूर रहना, और रात में ब्राइटनेस में रहना। जैसे ये ब्राइट है, इसको अगर लगातार देखूंगा तो ब्राइट है ये, जैसा हम अभी कर रहे हैं अभी, राइट। और ये लगातार जब करेंगे, आप देखिए कि छोटे बच्चों को शाम होने के बाद वो मोबाइल स्क्रीन लेके बैठ जाते हैं, उनके बिहेवियर में कितना बदलाव आ गया है, राइट। इस बात को आपको समझना होगा। तो डिप्रेशन को दूर करने का, मेंटल स्टेट को दूर करने का, कि दिन में यू हैव टू बी इन लाइट, दिन सुबह होते ही खिड़की दरवाजे खोल दिए, कोशिश की कि हम लाइट के पास रहें, और रात होते ही शाम हो गया 8 बजे उसके बाद उतनी लाइट जितनी बेहद आवश्यक है, राइट। तो जैसे आपने कभी गौर किया कि आधी रात को उठते हैं पेशाब के लिए नींद आती है लेकिन मजबूरी में पेशाब करने जाना पड़ता है कि इतना प्रेशर होता है ना, नींद आ रही है किसी भी तरह प्रेशर, पेशाब करके आए अब नींद गायब हो गई, होता है, अब नींद ही नहीं आ रही, क्योंकि जैसे आप टॉयलेट का लाइट ऑन करते हैं ये लाइट आंख में पड़ा, जब भी ब्राइट लाइट आंख में पड़ेगा तो ब्रेन बोलेगा दिन हो गया, दिन वाला हार्मोन रिलीज कर देगा कॉर्टिसोल, और रात वाले नींद वाले हार्मोन को गायब कर देगा, अब आपको नींद नहीं आने वाली। लाइट का इंपॉर्टेंट रोल है, अभी बताऊंगा मैं डिटेल में, राइट। याद कीजिए आज से 30-40 साल पहले बचपन में मैं देखता था अपने घर में टॉयलेट वाला जो लाइट था होता था वो हमेशा 0 वॉट वाला लाइट होता था, याद है आपको, राइट, बिल्कुल डिम, उतना जितना बस रास्ता दिख जाए उतना काफी। लेकिन अब टॉयलेट वाला लाइट सबसे ब्राइट वाला होता है, लिपस्टिक वगैरह लगाना वगैरह होगा ना, तो वो बिल्कुल ब्राइट होता है। तो आप एक एग्जाम्पल के तौर पे रात के उठना भी है तो एक ऐसा लाइट लगाइए कि उससे सिर्फ नीचे का दिखे। तो डिप्रेशन का, सिजोफेनिया का एक तो लाइट से संबंध है, और किन चीजों से संबंध है आज मैं बात करूंगा, तो इसको डिटेल में लेंगे हम, इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। शेखर, आफ्टर फॉलोइंग द डीआईपी फॉर 6 months इफ लिम्फो नोड साइज एंड क्वांटिटी इंक्रीजेस शुड बी गो फॉर कीमो एंड लिम्फोमा एंड इफ द लिम्फोमा स्प्रेड इन द बॉडी। देखिए इसका आंसर है कुछ भी हो जाए आप कीमोथेरेपी में इसलिए जाना चाहते हैं कि इस उम्मीद से कि वो आपको फायदा करेगा, वो फायदा नहीं करने वाला, ये पक्का है, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये है कि दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू, लेकिन कीमोथेरेपी इज नॉट द सेकेंड बेस्ट, कि ये नहीं फायदा कर रहा तो उसको ट्राई, वो फायदा नहीं करेगा। आपकी बॉडी ऑलरेडी चैलेंज में है, कीमोथेरेपी एक और चैलेंज उसमें ऐड कर देगा। पहले एक चैलेंज था, अब कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट वो दूसरा चैलेंज हो गया, अब दो बीमारियों से लड़ रहा है। जो लोग बोलते हैं ना, जो लोग बीमारी में दवाई लेते हैं उनके बॉडी को 2 बार ठीक होना पड़ता है, एक तो बीमारी से ठीक होना पड़ता है और दूसरी बार दवाइयों के साइड इफेक्ट ठीक होना पड़ता है, 2 बार ठीक होना पड़ता है। तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गोइंग फॉर कीमोथेरेपी इफ यू वांट टू गेट बेनिफिट। आज का डॉक्टर बीआरसी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।